ब्रह्मचर्य एक ऐसा शब्द जिसने ना जाने आज की युवा पीढ़ी के मन में कितने सारे सवालों को जन्म दे दिया है। हम कुछ जाने और समझे उससे पहले आज के युवाओं के मन में उठ रहे कुछ सवालों पर गौर करते हैं। नमः नमस्ते नमस्कार, मैं आकाश रघुवीर आपका अभिनंदन करता हूँ। देखिए, ब्रह्मचर्य के बारे में आपने अभी तक कई सारी वीडियो देखी होगी, उसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। तो चलिए युवाओं के मन में उठ रहे उलझी विचारधाराओं को समझते हैं और असलियत आपके सामने लाते हैं। पहला, कल्चरल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस, यानी कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। समझ जाओ, ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। कुछ युवा ऐसे समाज या धार्मिक परंपराओं में पल रहे हैं जिसमें उन्हें ब्रह्मचर्य या फिर सेल्फ कंट्रोल का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है, जिस कारण वो करते भी हैं। प्रतिदिन कैलेंडर में डे 1 के साथ शुरुआत भी करते हैं, लेकिन डे 10 या डे 20 के अंदर आते आते उनका सेल्फ कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो फिर से उसी स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं जिसमें वो रह रहे थे। और ऐसी बात नहीं कि वो कोशिश नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हार जाते हैं। आपने सोचा है ऐसा क्यों? आपने कभी गौर किया है इस बात पर कि क्यों मैं इसे पालन नहीं कर पा रहा? आप तब तक मोटिवेट रहते हो जब तक आप कोई अच्छी वीडियो देख रहे हो, अच्छे संत महात्माओं को सुन रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने सुनना बंद किया आप फिर से वही करने लगते हो जो आप करते आए हो। अब ये मत कहना कि ये सब माया का खेल है, माया बहुत प्रबल है। ये तो आप एक हाइपोथेटिकल वर्ड को ब्लेम करके अपने आप को साइड करना चाह रहे हो और कुछ भी नहीं। ये सब बोलकर आप ये साबित करना चाहते हो कि जो किया उस माया ने किया, आपका कोई रोल नहीं है इसमें। कभी सोचना एक बार इसके बारे में। दूसरा, सोशल प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि सामाजिक दबाव और अपेक्षाएं। और ये प्रॉब्लम आज की 80% युवाओं में है। चलिए इसे भी समझते हैं। आप सुन तो लेते हो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दो चार वीडियो देख भी लेते हो और मोटिवेट हो जाते हो, लेकिन जैसे ही आप अपने फ़ोन से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में जाते हो तो हर जगह आपको रिलेशनशिप दिखता है, लोग डेट करते हुए मिलते हैं। सोशल मीडिया खोलते हो तो उस पर आपको एक अलग ही ड्रामा दिखता है। सेक्सुअलिटी यौनता के रील से आप ऐसे घिर गए हो कि आपको एक दबाव सा महसूस होता है, आप समझ ही नहीं पाते हो कि क्या सही है और क्या गलत। आप सोचते तो हो कि आप ब्रह्मचारी रहोगे, लेकिन इस युवा अवस्था की उम्र में उन सारी एक्टिविटीज़ के बीच रहते हुए आपके लिए भागना इम्पॉसिबल सा लगता है। फिर आपको लगता है कि भाई ब्रह्मचर्य ये सब आउटडेटेड चीज़ें हैं, यही है असली दुनिया, ऐश करो मौज करो, और आप इसी के बीच फंसे रह जाते हो। ये एक सर्किल सा बन जाता है जिसमें आप घूमते रहते हो। तीसरा, हेल्थ एंड वेलबींग। कुछ युवा ये सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य रहने से उनकी बॉडी बन जाएगी, उनके चेहरे पर एक ग्लो आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब नहीं होता है। आप ये मत समझ लेना कि मैं ब्रह्मचर्य के खिलाफ हूँ। मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा हूँ जो कि युवा पीढ़ी झेल रही है, कुछ प्रवचनों के द्वारा या फिर किसी वीडियो में देखकर वो ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं, और जैसे ही कुछ दिन होता है और उन्हें जब कोई रिजल्ट नहीं दिखता तो वो निराश हो जाते हैं। जब वो आसपास वाले लोगों से बात करते हैं कि भाई तेरी बॉडी तो बहुत अच्छी है, तू पक्का ब्रह्मचर्य का पालन करता होगा, लेकिन उसका जवाब ये रहता है कि भाई मैं तो 3-4 बार, वो भी डेली बेसिस पर, तो फिर आपके मन में एक सवाल सा उठने लगता है और फिर से आप वहीं पहुंच जाते हो जहां आप खड़े थे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हो तो एक शेयर जरूर कर देना, बाकी लाइक और सब्सक्राइब आपके ऊपर, आपको अच्छी लगे तो करना, बाकी आपकी मर्जी। चौथा, पर्सनल वैल्यूज और गोल्स, यानी कि व्यक्तिगत मूल्य और लक्ष्य। देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्यों और उसके लक्ष्यों में अंतर होता है। कुछ युवा इसे अपने आगे बढ़ने का साधन मानते हैं तो कुछ इसे मनोरंजन का साधन मानते हैं, और इसी दोनों के बीच वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। पांचवा, क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना। कुछ युवा इसी डर से न सिर्फ अपने विचारों को किसी के सामने रख पाते हैं बल्कि अपने मन के उठ रहे तीव्रता को किसी को बता पाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो बताना नहीं चाहते, लेकिन कहीं उनकी जग हंसी ना उड़ाई जाए, समाज उन्हें गिरी हुई नज़रों से ना देखने लगे, इसी बात का डर उन्हें सताने लगता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस वीडियो में बस प्रॉब्लम्स ही बताया है, सॉल्यूशन क्यों नहीं बताया? तो मैं बता दूं कि आज ब्रह्मचर्य पर यूट्यूब पे कई सारी वीडियोज अपलोड हैं। देखो, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि ब्रह्मचर्य क्या है और इसे कैसे पालन करते हैं, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आखिर वो क्या क्या समस्याएं आती हैं जब आप इसे पालन करने लगते हो। मैं जल्द ही लौटूंगा ब्रह्मचर्य के सेकेंड पार्ट के साथ, जिसमें मैं आपको वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दूंगा जिसे आप सचमुच में पालन कर सकते हो। तब तक के लिए प्लीज़ कट ऑफ।